पराली के मुद्दे पर एक बार फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर निशाने साधे। कभी थोड़े समय पहले की बात है जब ये एक दूसरे के साथ होली मना रहे थे, लेकिन आज आमने सामने, क्योंकि राजनीति तो राजनीति है, राजनीति में एक दूसरे पर वार करना पड़ता है। बहरहाल क्या कुछ कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, चलिए आपको दिखाते हैं। ढूंढते हैं, मेरा इनको कहना यह है कि इस प्रकार के विषयों में जो एक एक सार्वजनिक तौर पर जिन चीजों को हमको काम करना चाहिए, सबको मिलके करना चाहिए, वो एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक बातें बोलते हैं। तथ्य तथ्य है। अब हरियाणा मान लो कोई काम अच्छे कर रहा है तो हरियाणा में अपने हिसाब से बोलेंगे। उनको पीड़ा ये होती है कि हाँ, हरियाणा के लोग अपने शायद गलत बोल रहे हैं, हम ठीक बोल रहे हैं। इस प्रकार का नहीं है। मैंने पहले भी कहा, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हरियाणा के पिछले साल की अपेक्षा जितने भी पराली जलाने के आंकड़े थे, सेटेलाइट बताता है, हम नहीं बताते, हमारे 25% आंकड़े कम हुए हैं। यानी पिछले साल की घटनाएं अगर मैं देखता हूं तो वो, यानी 25% कम होकर के सिर्फ 2249 घटनाएं अब सामने आई हैं, जो पिछले साल 25% उसे कम है। और अगर पंजाब की घटनाएं मैं इस समय जो सैटेलाइट बता रहा है, वो पिछले साल की घटनाओं से उनमें 20% बढ़ोतरी हुई है। यानी कुल मिला के 21,500 घटनाएं हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सैटेलाइट के आंकड़े हैं, वो छापते हैं, वो देते हैं, और इसमें उनको तकलीफ होगी। मैंने परसों 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दी है। वास्तव में तो मेरी उस स्टेटमेंट के कारण से उनको परेशानी हुई है। इसलिए मेरा हमारे भगवंत मान जी को ये एक प्रकार की आग्रह है, मेरा उनको एक एडवाइस है कि वो इस प्रकार की राजनीतिक बातें ना करें, किसान के हित में करें। और किसान के हित में करने के लिए सारी चीजें प्रदेश के अपने एजेंडे में होता है। और प्रदेश के एजेंडे को पूरा करने के लिए हमेशा ही केंद्र सरकार को कभी गालियां देना, कभी हरियाणा के विरुद्ध बोलना। हरियाणा के जो शहर ने वो AQI दे विच टॉप थे। फरीदाबाद के दा शहर है, चरखी दादरी की दा शहर है, गुड़गांव की दा शहर है, करनाल की दा शहर है। मैं नहीं कहता कि उन कोई हरियाणा के लोगों का कसूर है, मैं भी नहीं कहता पंजाब के लोगों का कसूर है। ये सेंटर सरकार का मुद्दा है, नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है। यूपी के बहुत सारे शहर जिहड़े ने वो AQI दे विच टॉप 10 च ने। ईवन ग्वालियर उहदे विच है, ईवन पटना उहदे विच है, मेरे को लिस्ट पई है सारी। तां ये नॉर्थ इंडिया का इशू है, कल्ले पंजाब का नहीं। ये तां जे राजनीति करे, राजनीति करते हैं उत्थे AC कमरे च बैठे, पंजाब ते दिल्ली नूं गालां कढ़ी जांदे आ। जिमें ए लगता जिमें पंजाब ते दिल्ली जिहड़े ने वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाउंदे ने, आले दुआले सारा स्विट्जरलैंड रहिंदे ने, बाहर बहुत वधिया हवा। ये सारे नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। हाँ, जे असी कोई बना के भेजा प्रपोजल, वो सारे रद्द करते। असी कहा जी वित्तीय सहायता कर दो, ना जी क्यों, कह पैसे नहीं है। असी कहा जी बिजली बनाने वाली कंपनियां आनी चाहुंदियां ने पराली तो, वो लाने की इजाजत दे दो, ना जी ये तुसी आप करो। जदों तो उन्होंने किसी गल तो खहरा छुड़ाना होंगे, उदो कहते हैं स्टेट इशू है। तो जो कोई स्टेट इशू खोना होंगे, उदो कहते मतलब हालता दे दो। मैं खुद करने तैयार हाँ जी, किसान खुद पराली लाने अग लाने तैयार नहीं है।